हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम एग्रो फॉरेस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कैटेगरीज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आर। द मेजर कैटेगरीज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आर, कृषि वानिकी की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब प्रमुख ब्रांच कौन कौन से हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, मेन ब्रांच कौन कौन सी है। तो इसमें से जो मेन ब्रांच है एग्रो फॉरेस्ट्री की वो कौन सा है। ऑप्शन ए है एग्री सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वो पास्चरल, ऑप्शन सी है एग्रो सिल्वो पास्चर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द एवर। मीन्स जो एग्रो फॉरेस्ट्री की कैटेगरी हैं वो एग्री सिल्वी कल्चर, सिल्वो पास्चरल एंड एग्रो सिल्वो पास्चरल कल्चर, ये तीनों हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये स्टेट है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, गुजरात। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड एट गुजरात, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, कर्नाटका। बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट, ऑप्शन डी इज राइट, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया किस कंट्री में है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, रसिया। रसिया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक स्थान है रसिया का। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ एरिया, ऑप्शन बी इज राइट, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नाम बताइए। इसका ऑप्शन ए है द वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है सेमी एरिड एरिया इन गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, द वेस्टर्न घाट। नेम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया इन द वेस्टर्न घाट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द गिवन बिलो वन महोत्सव इज एसोसिएटेड। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कटिंग ऑफ ट्रीज, ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस इन क्रॉप प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है ट्री प्लांटेशन। तो जो वन महोत्सव है वो किससे संबंधित है, ट्री प्लांटेशन, ऑप्शन डी इज राइट, ट्री प्लांटेशन। Which one of the given below वन महोत्सव is associated in tree plantation, option D is right. Next question number 7,
विच इज़ द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है, वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे छोटा फॉरेस्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। ऑप्शन बी इज राइट, पंजाब। पंजाब इज़ द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। और अगर लार्ज फॉरेस्ट पूछा जाता है तो वो है मध्य प्रदेश। स्मॉल कौन सा है, पंजाब, इसलिए इसका ऑप्शन बी इज़ राइट, पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है भोपाल एंड ऑप्शन डी है पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी बैम्बू स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। भारत में बैम्बू की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 136, ऑप्शन सी है 145 एंड ऑप्शन डी है 140। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ राइट, 136 स्पीसीज पाई जाती हैं बैम्बू की इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है भोपाल एंड ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ राइट, बेंगलोर। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट बेंगलोर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लेटेक्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। लेटेक्स होता है निम्नलिखित में से किस पेड़ से एकत्र किया जाता है, मीन्स किस पेड़ से लेटेक्स को कलेक्शन किया जाता है। ऑप्शन ए है रबर ट्री, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस ट्री, ऑप्शन सी है देवदार ट्री एंड ऑप्शन डी है पाइन ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ राइट, रबर। रबर से लेटेक्स तैयार किया जाता है। और अगर पपेन पूछा जाता है तो पपेन पपाया से तैयार किया जाता है और लेटेक्स रबर से, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, रबर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट वास सेट अप इन। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है मसूरी, ऑप्शन सी है बेंगलोर एंड ऑप्शन डी है शिमला या बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ राइट, देहरादून। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन देहरादून। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाज अमेंडेड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कब संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1980। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ राइट, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन क्लोनल फॉरेस्ट द ट्री आर प्रोपोगेटेड। क्लोनल वानिकी में पेड़ों का प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। जो क्लोनल फॉरेस्ट होते हैं क्लोनल फॉरेस्ट में प्रोपोगेट किस प्रकार से किया जाता है ट्री का। ऑप्शन ए है थ्रू का सीड्स, ऑप्शन बी है थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, ऑप्शन सी है
बाई सीड एंड कटिंग, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, बाई सीड एंड कटिंग, जो प्रोपोगेशन किया जाता है ट्री का क्लोनल फॉरेस्ट में, सीड के द्वारा करते हैं या कटिंग के द्वारा करते हैं। कटिंग क्या होता है? ए पीस ऑफ प्लांट यूज टू प्रोपोगेट विच रीजनरेट देयर मिसिंग पार्ट इज कॉल्ड कटिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रोपोगेट बाई एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिवाइडेड बाई फोर ग्रुप्स, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टूडे इज पब्लिश्ड फॉर्म। द जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टूडे कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है यूके, एंड ऑप्शन डी है मैक्सिको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा फॉरेस्ट स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, मध्य प्रदेश। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश है, और स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाता है तो पंजाब है। तो इसमें पूछा गया लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द गिवन डेज। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 21 मार्च, एंड ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन 21 मार्च, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स। ग्रामीण अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फॉरेस्ट चाहते हैं? ऑप्शन ए है फ्यूल, फॉडर, फ्रूट, ऑप्शन बी है फ्यूल, फॉडर, मिनरल, ऑप्शन सी है फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, फ्यूल, फॉडर एंड फ्रूट के लिए फॉरेस्ट चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द ट्री सूटेबल फॉर सेलाइन लैंड इज। सेलाइन जो लैंड होता है उसमें कौन से ट्री को ग्रो किया जाता है, कौन सा ट्री की ग्रोथ अच्छी होती है? ऑप्शन ए है पॉपुलर, ऑप्शन बी है सीमल, ऑप्शन सी है कीकर, एंड ऑप्शन डी है ताली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, कीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिजिपस मॉरिशियाना इज बेसिकली ग्रोन इन। जो जिजिपस मॉरिशियाना होता है उसे कहाँ ग्रो किया जाता है बेसिकली? ऑप्शन ए है बेड नर्सरी में, ऑप्शन बी है पॉटेड नर्सरी, ऑप्शन सी है डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, पॉटेड नर्सरी। जिजिपस मॉरिशियाना ये बेर का बॉटनिकल नेम है, तो जिजिपस मॉरिशियाना को जो ग्रो किया जाता है वो पॉटेड नर्सरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। डलवर्जिया सीसो इज बेसिकली ग्रोन इन। डलवर्जिया सीसो को किस में ग्रो किया जाता है? ऑप्शन ए है बेड नर्सरी, ऑप्शन बी है पॉटेड नर्सरी, ऑप्शन सी है डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, बेड नर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बॉटनिकल नेम ऑफ नीम इज। नीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन ए है मीलिया मीलिया अजेड्राच, ऑप्शन बी है प्रोसोपिस सिनेरारिया, ऑप्शन सी है एजार्डिरा चाटा इंडिका, एंड ऑप्शन डी है
टामारिक्स एफाइला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, एजाडी रचाटा इंडिका, और इसकी फैमिली होती है मिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रिमूवल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री वाइल टेकिंग केयर ऑफ इट्स हेल्थ इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है प्रूनिंग, ऑप्शन बी है पोलार्डिंग, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर एंड ऑप्शन डी है टॉपिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, पोलार्डिंग। पोलार्डिंग में क्या होता है, जो इसकी जो मेन ब्रांच होती हैं, यहाँ से इन ब्रांचों को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे इसकी यहाँ से नई नई ब्रांच निकलती हैं और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शिफ्टिंग ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी टू द फील्ड इज नोन एज, प्लांट को शिफ्ट किया जाता है नर्सरी से फील्ड में, इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है प्लांटिंग, ऑप्शन बी है ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी है मूवमेंट एंड ऑप्शन डी है रिमूवल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग मीन्स होता है प्लांट को शिफ्ट किया जाता है नर्सरी टू फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एनुअल रिंग इंडिकेट, जो एनुअल रिंग होती है ट्रीज में, वो किसको इंडिकेट करती है। डायमीटर ऑफ ट्री, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ ऑफ वुड, ऑप्शन सी है एज ऑफ ट्री एंड ऑप्शन डी है प्राइस ऑफ ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, एज ऑफ ट्री। जो एनुअल रिंग होती हैं ट्रीज में, वुडी ट्रीज में, वो इंडिकेट करता है कि प्लांट की एज कितनी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन लीफी मटेरियल अप्लाइड टू सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी इज कॉल्ड, जो ग्रीन लीफ होता है उससे जो इम्प्रूव की जाती है सॉइल की फर्टिलिटी, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन मैन्योर, ऑप्शन बी है फॉरेज, ऑप्शन सी है फॉडर एंड ऑप्शन डी है ग्रीन बायोमास। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द प्लांट मटेरियल फॉलन ऑन फॉरेस्ट फ्लोर सच एज ट्रीज ब्रांचेस लीव्स ईटीसी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी लिटर एंड ऑप्शन डी हस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, लिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए फॉरेस्ट हैविंग ऑल ट्रीज ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड, कोई भी फॉरेस्ट हो जिसमें जो ट्री हैं उनकी स्पीसीज सेम होती है, तो उस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मिक्स फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है प्योर फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है पुअर फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है क्लीन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी इज राइट, प्योर फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्री की सेम स्पीसीज होती हैं, जिस फॉरेस्ट में ट्रीज की सेम स्पीसीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट किसी बोलते हैं ए फॉरेस्ट हैविंग ऑल ट्री ऑफ सेम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए फॉरेस्ट हैविंग ऑल ट्रीज ऑफ सेम एज इज कॉल्ड, ए फॉरेस्ट हैविंग ऑल ट्रीज, सभी ट्रीज की अगर सेम एज होती है तो उसको क्या बोलते हैं। यूनिफॉर्म फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है इवन एज्ड फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है अनइवन एज्ड फॉरेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, इवन एज्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द स्टेम इज आल्सो नोन एज, जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है बोल, ऑप्शन बी है ट्रंक, ऑप्शन सी है ए एंड बी मीन्स बोल एंड ट्रंक एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, ए एंड बी मीन्स बोल और ट्रंक ट्रीज को
बोल और ट्रंक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज। ऑप्शन ए है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी है एपिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर एंड ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, इसमें सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मटेरियल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन ए लिविंग मटेरियल, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी लिविंग मास एंड ऑप्शन डी ह्यूमस। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, बायोमास। मटेरियल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमास, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल वुडी प्लांट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए है वीडिंग, ऑप्शन बी है लॉगिंग, ऑप्शन सी है लूपिंग एंड ऑप्शन डी है क्लीनिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिल्वोपास्चरल सिस्टम में, सिल्वोपास्चरल सिस्टम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वीकल्चर पास्चर फार्मिंग, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर फार्मिंग एंड ऑप्शन डी है नॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, सिल्वीकल्चर एंड पास्चर फार्मिंग। इसमें क्या होता है, सिल्वो पास्चर में सिल्वीकल्चर और पास्चर फार्मिंग दोनों को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अल्बिजिया लीवेग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ट्री ऑफ। ऑप्शन ए है सॉफ्टवुड, ऑप्शन बी है सैपवुड, ऑप्शन सी है हार्डवुड एंड ऑप्शन डी है हार्डवुड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, हार्डवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्राउन ऑफ ए ट्री कंसिस्ट ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट ट्विग। ऑप्शन बी लिम बोल टेप रूट, ऑप्शन सी बोल लिम टेप रूट फाइबर रूट, ऑप्शन डी एडवांसियस रूट कॉलर स्टेम। क्राउन जो होता है, क्राउन में क्या क्या चीज़ होती है, क्राउन में ऑप्शन ए इज राइट है, लीव्स फ्लावर फ्रूट ट्री, इनको कंबाइंड रूप से क्राउन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वुड ऑफ जामुन इज यूज्ड फॉर। जामुन के जो वुड होते हैं, जामुन ट्रीज का वुड होता है, उसका यूज किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉमन फर्नीचर ऑफ गुड क्वालिटी, ऑप्शन बी है कवरेट फर्नीचर, ऑप्शन सी है विंडो एंड डोर फ्रेम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, कवर्ड फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैम्बियम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कैम्बियम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए है प्राइमरी ग्रोथ, ऑप्शन बी है सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन सी है सडन ग्रोथ एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी, मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो कैम्बियम होता है वो प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके द्वारा क्या होता है कैम्बियम के, उसका इसमें सही आंसर है सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री विदाउट एनी रिस्पेक्ट टू इट्स हेल्थ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लीनिंग, ऑप्शन बी लॉगिंग, ऑप्शन सी लूपिंग एंड ऑप्शन डी हार्वेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, लूपिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रूट प्रूनिंग प्रमोट, ऑप्शन ए टैप रूट, ऑप्शन बी एडवांसियस रूट, ऑप्शन सी टैप रूट एंड एडवांसियस रूट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा एडवांसियस रूट, ऑप्शन बी इज राइट, रूट प्रूनिंग प्रमोट एडवांसियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ट्री स्पीसीज हैज रिलेटिवली लेस हाइट, ऑप्शन ए है एजार्डी रचाटा इंडिका, ऑप्शन बी है डलवर्जिया सीसो, ऑप्शन सी है मीलिया रेडराज एंड ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस कैमेंडुलेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, मीलिया एडार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जाइलम होता है वो प्लांट में किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए है मूवमेंट ऑफ फूड, ऑप्शन बी है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑप्शन सी है मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बनाना इज, जो बनाना है वो क्या है, ट्री है, ऑप्शन बी सर्प्स, ऑप्शन सी हर्बेसियस प्लांट एंड ऑप्शन डी ग्रास। तो जो बनाना है वो है हर्बेसियस प्लांट, बनाना इज ए हर्बेसियस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपीशिंग, कॉपीशिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ऑप्शन बी है इमरजेंस ऑफ न्यू सूट, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मैन्योर, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, इमरजेंस ऑफ न्यू सूट। कॉप्सिंग क्या होती है, जैसे ये प्लांट होता है, प्लांट के जब फुल ग्रोथ हो जाती है तो इसके बेस पोर्शन से कुछ हाइट छोड़ के प्लांट का ऊपरी पार्ट पूरा इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो यहाँ से जो बड्स होती हैं, बड्स से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसको बोला जाता है कॉपिस। तो कॉपिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इमरजेंस ऑफ न्यू सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द हाइट ऑफ कॉपिसिंग इज, जो कॉपिस होते हैं उसकी हाइट कितनी है, ऑप्शन ए है 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ऑप्शन बी है एट द सेंटर ऑफ द इमरजेंस ऑफ मेन ब्रांचेस, ऑप्शन सी है ग्राउंड लेवल एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिल्वोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, ऑप्शन ए है फॉरेस्ट एंड वुड, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, फॉरेस्ट एंड वुड। सिल्वोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच इज नॉट ए एग्रो सिल्वीकल्चर, इनमें से एग्रो सिल्वीकल्चर कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, ऑप्शन बी है क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप, ऑप्शन सी है टोंगे सिस्टम एंड ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल एफॉरेस्टेशन। तो इसमें एग्रो सिल्वीकल्चर जो नहीं है वो क्या है, ऑप्शन डी इज राइट, आर्टिफिशियल एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच इज ए सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस, ऑप्शन ए है प्रूनिंग, ऑप्शन बी है प्रिस्क्राइब बर्निंग, ऑप्शन सी है प्लांटिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव।
मीन्स सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस में प्रूनिंग भी की जाती है, प्रिस्क्राइब बर्निंग भी की जाती है और प्लांटिंग भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच इज एन इंटरमीडिएट प्रैक्टिस, ए हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी प्रूनिंग, ऑप्शन सी थिनिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच इज ए रीजनरेशन ट्रीटमेंट, इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा रीजनरेशन का ट्रीटमेंट है। ऑप्शन ए है प्रूनिंग, ऑप्शन बी है थिनिंग, ऑप्शन सी है हार्वेस्टिंग एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, हार्वेस्टिंग। रीजनरेशन का ये ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सिल्वीकल्चर अप्लाइज थ्योरीज एंड मॉडल फ्रॉम, ऑप्शन ए है पॉपुलेशन इकोलॉजी टू प्रिडिक्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट, बायोमेट्रिक टू प्रिडिक्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सिल्वीकल्चर अप्लाइज थ्योरीज एंड मॉडल फ्रॉम पॉपुलेशन इकोलॉजी टू प्रिडिक्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड बायोमेट्रिक टू प्रिडिक्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हॉच वर्ल्ड इज फॉर, ऑप्शन ए है हाई फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है लो फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा हाई फॉरेस्ट, हॉच वर्ल्ड इज हाई फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच इज नॉट ए सिस्टम ऑफ सिल्वीकल्चर, इनमें से सिल्वीकल्चर का सिस्टम कौन सा नहीं है। शॉर्ट रोटेशन कॉपीस, ऑप्शन बी है कॉपीस एंड स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी है हाई फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है कॉपीस विद लॉन्ग ड्यूरेशन। सिल्वीकल्चर का सिस्टम इसमें नहीं है, वो है ऑप्शन डी इज राइट, कॉपीस विद लॉन्ग ड्यूरेशन, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच इज इवन एस्ट फॉरेस्ट, इवन एस्ट फॉरेस्ट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है स्ट्रिप सिलेक्शन कटिंग, ऑप्शन बी है क्लियर कटिंग, ऑप्शन सी है सिलेक्शन फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, सिलेक्शन फॉरेस्ट, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ अनइवन एज फॉरेस्ट, ऑप्शन ए है द फीमेल सिलेक्शन कटिंग ऑफ ग्रुप सिलेक्शन कटिंग, बी सेल्टर वुड वेज कटिंग, सी मिक्स फ्रॉम रीजनरेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अनइवन फॉरेस्ट जो होता है उसमें द फीमेल सिलेक्शन कटिंग और ग्रुप सिलेक्शन कटिंग, सेल्टर वुड वेज कटिंग, मिक्स फ्रॉम रीजनरेशन, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच इज ए टाइप ऑफ कंटिन्यूस कवर फॉरेस्ट्री, ऑप्शन ए है सिलेक्शन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है टारगेट डायमीटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी मीन्स सिलेक्शन फॉरेस्ट एंड टारगेट डायमीटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन कॉपीस ट्री, ऑप्शन ए है पॉपुलर, ऑप्शन बी है विलो ट्री, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉपीस ट्री है पॉपुलर एंड विलो ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। पोलाइडिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इफ़ेक्टिव इन, किस प्लांट में ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होती है? ऑप्शन ए मोरिंगा ट्री, ऑप्शन बी गुआवा, ऑप्शन सी महुआ ट्री एंड ऑप्शन डी रिवर टमरिंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, ए इज राइट मोरिंगा। क्वेश्चन नंबर 59। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिव इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट रांची। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इज लोकेटेड एट रांची, ऑप्शन बी इज राइट रांची। थैंक यू।